Hi, good morning. How are you all? I am Chandrakant Koteja. आज हम राग भैरवी की एक बहुत सी बढ़िया सी प्यारी सी ठुमरी करेंगे. ताल अद्धा में ये एक ठुमरी है. कहो जी तुम कैसे बने हो. कहो जी तुम कैसे बने हो. बहुत बढ़िया सी ठुमरी है राग भैरवी में. भैरवी वैसे डिफ़िकल्ट राग माना जाता है क्योंकि इसमें रे ग ध नी चार स्वर कोमल आते हैं, लेकिन मैं इस बार आपको इसको इजी करके कैसे गाया बजाया जाता है ये सिखा रहा हूँ. इसमें हम सा की जगह रे को सा बनाएंगे ताकि बहुत कम स्वर कोमल आएंगे. फिर भी कोमल ग और कोमल नी थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन ग नी कोमल बजाना ईजी रहता है. तो ये रे से हम सा की बजाय रे को सा बना कर फिर भैरवी बजाते हैं तो बहुत इजीली बज जाएगा. और मैं नोटेशन भी आपको रे से ही एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप भैरवी जैसा डिफ़िकल्ट राग भी इजीली बजा सकें. तो भैरवी की ये ठुमरी मैं आपको रे से नोटेशन बताऊँ और आप इसको प्रिपेयर करें. इससे पहले मैं पूरी ठुमरी एक बार आपको ताल के साथ सुना देता हूँ. मैंने बांसुरी ली है बी यानी सफ़ेद सात की, लेकिन उसका रे उसको सा बनाया है यानी ये सी शार्प काली एक का सा हो जाएगा. ताल होगा अद्धा ताल, टेम्पो है 160 BPM. तो सुनिए पहले ये ठुमरी. कहो जी तुम कैसे बने हो राग भैरवी में. अभी सुनी राग भैरवी की ठुमरी. कहो जी तुम कैसे बने हो. अब मैं इसकी एक एक लाइन नोटेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ. अब मैं आपको जब एक्सप्लेन करूँगा गाने के साथ, तो अभी ए शार्प के सुर में आपको एक्सप्लेन करूँगा.
लेकिन क्योंकि हम ये रे से बना रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो बांसुरी लूँगा जी शार्प की। जी शार्प की बांसुरी में मैं रे से साफ मान के आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तब ये हो जाएगा स्केल ए शार्प। अब आप भी जब सीखें तो जी शार्प की बांसुरी हाथ में लेके उसको रे से बजाने का है। मैं नोटेशन भी रे से ही समझाता हूँ। तो पहली लाइन है, कहो जी तुम कैसे बन हो, कहो जी तुम कैसे बन हो। रे ग, ग कोमल है यहाँ पे, रे ग सा रे म प, ये रे शुद्ध है, म शुद्ध है, प शुद्ध है, क्योंकि हम रे से बजा रहे हैं तो यहाँ पे रे कोमल नहीं आएगा, हमको शुद्ध मिल जाएगा। कोमल ग बजाने से कोमल रे आ जाएगा यहाँ, इसलिए हमें क्या नोटेशन बजानी है, रे ग सा रे म प ध नी ध स नी ध नी ने द म ग म नी प ग रे, रे ग सा रे म प ध नी ने द म म ग म नी प ग रे। कहो जी तुम कैसे बन हो, कहो जी तुम कैसे बन हो। रे ग सा रे म प ध नी नि द म ग म नी प ग रे। अब क्योंकि हम रे से बजा रहे हैं तो यहाँ पे आपको ग कोमल बजाना और नी कोमल बजाना पड़ेगा। ग कोमल बजाने से हमको ओरिजिनल भैरवी का कोमल रे मिलेगा, और कोमल नी बजाने से हमको ओरिजिनल भैरवी का कोमल ध बजे बनेगा। तो यहाँ पे हम जहाँ भी बात करते हैं मोस्टली ग और नी कोमल बजेंगे। रे ग ये कोमल, रे ग, ग कोमल, रे ग सा रे म प ध नी ध स नी नि द म ग म नी प ग रे, नी कोमल ग कोमल नी प ग रे। सारे म प ध नी नि द म ग म नी प ग रे। दूसरी लाइन, मोरे मन की न पूछे बतिया, मोरे मन की, ये बंदिश 13वीं मात्रा से 12वीं मात्रा से शुरू होती है, 12, 13, 14, 15, 16 और फिर सम एक मात्रा पे आता है। कहो जी तुम कैसे ऊपर समाता है। दूसरी लाइन, मोरे मन की न पूछे बतिया, मोरे मन की न पूछे बतिया, मगर निसारे रे म रे म नी प ग रे, म ग रे नि सा रे, रे म नी प ग रे, मोरे मन की न पूछे बतिया, म ग रे नि सा रे, रे म नी प ग रे। ये नी जो है वो ब्रैकेट में है, मतलब नी प ग रे, वो वाइब्रेशन के साथ बजाना है। तीसरी लाइन है,
वो नौवीं मात्रा से उठानी है, यानी जो दूसरी लाइन है उसको नौवीं तक आठवीं पे छोड़ देना है, फिर नौवीं से लास्ट लाइन उठानी है। मोरे मन की न पूछी, बस इतना, पूछी बतिया, ये बतिया काट देने का है, और बतिया की जगह से लास्ट लाइन तीसरी लाइन उठानी है। मोरे मन की न पूछी ओ रन सुरंग रलिया, ओ रन सुरंग रलिया, कहो जी तुम कैसे बन हो मोरे मन की न पूछे बतिया, मोरे मन की न पूछे ओ रन सुरंग रलिया, मानी रे 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 सा मानी नी कोमल, मानी रे 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 सा ग सा नी द म नी प ग रे, फिर से पूरी लाइन। मानी रे 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 रे, यानी रे रे सा, सा पे आपको होल्ड करना है। मानी रे 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 सा ग सा नी द म नी प ग रे, कहो जी तुम कैसे बन हो। सुरंग रलिया ओ, 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 ओ मानी रे 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 सा ग सा नी ध म नी प ग रे, मानी रे 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 सा ग सा नी ध म नी प ग रे, रे ग सा रे म प ध नी नी द म ग म नी प ग रे, रे ग सा रे म प ध नी नी द म ग म नी प ग रे, कहो जी तुम कैसे बन हो। अंतरा, अंतरा भी नौवीं मात्रा से यानी खाली से शुरू होता है। जाओ श्याम हम तुम सन रूठे, जाओ श्याम, जाओ श्याम हम तुम संग रूठे, नी प नी नी सा सा रे 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 सागर, नी प नी नी सा सा रे 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 सागर, नी प नी नी सा सा रे 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 सागर, जाओ श्याम हम तुम संग रूठे। रे 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 सागरे, अब यहाँ नी प है जो नी म भी ले सकते हैं, नी म नी नी सा सा रे 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 सागरे,
नी पा नी सा सा रे 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 सा ग रे लाख जतन करो तुम बर जूठे लाख जतन करो तुम बर जूठे सा 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 रे 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 मतलब ध पे अटकना है सा 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 रे 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 द गाना ऐसा है सा 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 रे 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 द सा मर नी ध सा 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 रे 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 द सा मर नी ध लाख जतन करूं तुम बर जूठे सा 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 रे 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 द दशा मर नी द अब इसमें इसी लाइन में वेरिएशन है लाख जतन करूं तुम बरे जूठे सा सा नी द नी नी प प ग ग प सा सा नी द लाख जतन करूं तुम बरे जूठे अभी तक जो आया था वो नी कोमल ग कोमल आया था इस लाइन में नी शुद्ध आएगा ग भी शुद्ध आएगा सा सा नी ध नी नी प प ग ग प सा सा नी ध सा सा नी ध नी नी प प ग ग प सा सा नी ध ये नी ध वाला नी कोमल है बाकी ऊपर वाले सारे नी और सारे ग शुद्ध है सा सा नी ध नी नी प प ग ग प सा सा नी ध लाख जतन करूं तुम बरे जूठे दोनों लाइन एक साथ काहे परत मोरे पैया काहे परत मोरे पैया काहे परत मोरे पैया काहे परत मोरे पैया कहो जी तुम कैसे बन हो ये लास्ट लाइन दो बार रिपीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लास्ट लाइन नौवीं मात्रा से शुरू होती है और नौवीं तक नहीं लेकिन आगे ग्यारह तक जाएगी फिर बारह से मुखड़ा उठाना है इसलिए ये लास्ट लाइन है ये पूरे एक आवर्तन की नहीं है लेकिन सवा आवर्तन की है इसलिए लास्ट लाइन एक ही बार लेके तुरंत मुखड़ा लेना है काहे परत मोरे पैया कहो जी तुम कैसे बन हो ध ध द ध प द सा नी द म नी प ग रे ध ध द ध प द सा नी द म नी प ग रे ये जो सा ब्रैकेट में है वो उसको वाइब्रेट सा 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 नी द म नी प म ग रे सा नी
द द द प द सा नी द म नी प ग रे ग रे, ये म के स्पर्श से लेना, ग म रे ग म रे, ध द द द प द सा सा नी द म नी 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 को भी वाइब्रेट कर, नी प ग म रे, और फिर आप मुखड़ा ले, रे ग सा रे म प ध नी नी द म ग म नी प ग रे, रे ग सा रे म प ध नी नी द म ग म नी प ग रे ग रे ग म रे ग, फिर म के स्पर्श से रे लेना है, ग म रे कोमल ग म के स्पर्श से रे, ग सा रे म प ध नी, ये भी सा के स्पर्श से नी, पहला नी, ध नी ध स नी नी द म ग म नी प ग म रे। तो ये हो गई पूरी एक ठुमरी राग भैरवी में। इसके अंदर आप थोड़े से आप अपनी ओर से आलाप ऐड करके उसका मुखड़ा पकड़ के सम से सम के साथ मुखड़ा पकड़ के बढ़िया सी प्रस्तुति तैयार कर सकते हैं। मैं इसी बंदिश को ताल के साथ शब्दों में गा के एक बार आपके सामने रखता हूँ ताकि आप इसके शब्द यानी वर्डिंग्स भी याद रख लें, लिरिक्स भी याद रख लें। इसके शब्द भी बड़े अच्छे हैं और ये वोकल के लिए भी करने जैसी ठुमरी है और बांसुरी के लिए भी ये तैयार करने जैसी बहुत प्यारी सी भैरवी की ठुमरी है। तो आप सुनिए 160 BPM अद्धा ताल में काली पाँच स्वर में मैं गाता हूँ ये ठुमरी शब्दों में। 1 2 3 4 more than
थी राग भैरवी की ठुमरी अद्धा ताल में, कहो जी तुम कैसे बने हो। ये हमने रे को सा मान के बजाया था और गाया भी था, लेकिन कुछ लोग जो कि एडवांस लेवल पे है, जो कि रेगा धनी कोमल बजा भी सकते हैं, वो लोग सा से भी ये ठुमरी बजा सकते हैं, तो उनके लिए मैं एक अलग से एपिसोड देने वाला हूँ नेक्स्ट, यही ठुमरी लेकिन उसकी नोटेशन जो है वो सा से आएगी, उसमें सारे स्वर रेगा धनी कोमल आएंगे, थोड़ा टफ रहेगा लेकिन फिर भी जिस लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है उनके लिए मैं बजा कर भी और गा कर भी शुद्ध भैरवी यानी सा टू सा से लेते हुए सिखाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें कि आप चारों स्वर कोमल बांसुरी में यूज़ करके बजा पाएंगे, यानी रे ग ध नि सब इसमें कोमल आएंगे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। वो एपिसोड भी आप देखना और कोशिश करना कि आप वो वाली नोटेशन भी शायद बजा सके तो काफ़ी अच्छा रहेगा, वरना ये बहुत ईजी रहेगी, इसमें सिर्फ ग और नी कोमल आएंगे, ये रेको सा बनाया है, ये नोटेशन आप डिटो टू डिटो बजाएंगे तो आपको जैसे काफ़ी राग बजा रहे हैं ऐसा लगेगा, लेकिन यह है भैरवी की आवाज़ जो आएगी, साउंड आएगा भैरवी का आएगा, फिंगरिंग होगी वो काफ़ी की होगी, लेकिन ये इसको मूर्छना कहते हैं, तो ये रे की मूर्छना करके हम गाएंगे बजाएंगे तो बहुत ईजी रहेगा, जैसे हम काफ़ी राग बजा रहे हैं ऐसा लगेगा, ईजी लगेगा। तो ये भैरवी जिसको बहुत डिफ़िकल्ट राग माना जाता है इंस्ट्रूमेंटल के लिए, क्योंकि रे ग ध नि सब कोमल आते हैं, तो ये रेको सा बना के मैंने नोटेशन यहाँ रखा है, पूरा नोटेशन PDF फाइल में भी यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा है, आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आप ये ठुमरी अवश्य सीखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। भैरवी राग बजाना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन आपके लिए ये मैंने ईजी बनाकर नोटेशन रखी है, तो आप अगर बिगिनर भी हैं तो भी बजा पाएंगे। ये ठुमरी अवश्य तैयार करना और कैसी लगी मुझे बताना। मुझे देखने और सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आभार। तो अभी हमारे नित्य क्रम के मुताबिक राग भैरवी में ही एक फिल्मी सॉन्ग सुना देता हूँ, फिल्म है संगम, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना साथ, बोल राधा बोल संगम हुआ कहने, बांसुरी है ये बी यानी सफ़ेद सात की है, लेकिन मैं इसके रे को सा बनाऊंगा तो ये हो जाएगी सी सात की, तो तानपुरा सी सात में सेट करके काली एक सी सात से मैं गीत बजाऊंगा, बांसुरी बी की रहेगी, ताल है कहरवा, 160 BPM की स्पीड।